नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको पता है अभी 2 दिन पहले GIC लेक्चरर का फाइनल रिजल्ट आया था, करीब 10 विषयों का, जैसा कि विज्ञप्ति जारी की गई है। उन विषयों का जिनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जो 2020 की भर्ती चल रही है लोक सेवा आयोग द्वारा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रवक्ता की, उसके जो रिजल्ट आए हुए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और बहुत जल्दी, देखिए 2-3 दिन में ही नोटिस जारी कर दिया गया कि किस डेट को किस सब्जेक्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 14 जून 2022 को सुबह 9 बजे से लेक्चरर हिस्ट्री, प्रवक्ता इतिहास, पुरुष का होगा। क्रम संख्या चयन क्रमांक 1 से लेकर 42 तक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद 2 नंबर पर प्रवक्ता भूगोल, पुरुष का होगा 14/6/2022 को ही 9:30 बजे से 1 से। और इसी प्रकार से प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, पुरुष का 14 जून को ही अपराह्न 1:30 बजे से। प्रवक्ता अर्थशास्त्र का 14 जून को ही अपराह्न 1:30 बजे से। और उसके बाद प्रवक्ता इतिहास का महिला, फीमेल कैटेगरी, फीमेल कॉलेज का 15 जून 2022 को प्रातः 9 बजे से। प्रवक्ता भूगोल महिला का प्रातः 9 बजे से 15/6/22 को। प्रवक्ता नागरिक शास्त्र का महिला 15/6/2022 से प्रातः 9 बजे से। और प्रवक्ता अर्थशास्त्र महिला का 15/6/2022 को 9:30 बजे से। प्रवक्ता भौतिक विज्ञान का महिला 15/6/2022 को प्रातः 9 बजे से। प्रवक्ता समाजशास्त्र पुरुष का 15/6/2022 को अपराह्न 1:30 बजे से। इसी प्रकार प्रवक्ता समाजशास्त्र महिला 15 जून 2022 को अपराह्न 1:30 बजे से। प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र पुरुष का 15 जून को अपराह्न 1:30 बजे से होगा। और इस प्रकार प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र महिला का 15 जून को ही 1:30 बजे से। प्रवक्ता उर्दू पुरुष का 15 जून 2022 को अपराह्न 1:30 बजे से। प्रवक्ता उर्दू महिला का 15 जून 2022 को 1:30 बजे से। प्रवक्ता वाणिज्य पुरुष 15 जून 2022 को ही 1:30 बजे से। प्रवक्ता वाणिज्य महिला 15 जून 2022 को 1:30 बजे से। प्रवक्ता गृह विज्ञान महिला 15 जून 2022 को 1:30 बजे से होगा। और बाकी साथ में क्रम संख्या भी लिखी गई है कि किस क्रम पर, कितने क्रम से लेकर कितने क्रम तक के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। और उसके बाद में कुछ और भी महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है। अभ्यर्थीगण आयोग की वेबसाइट upsc.upnic.in के होम पेज पर क्लिक करके डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म से फॉर लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मेंस एग्जामिनेशन 2020 पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर एंड बेसिक डिटेल्स भर करके पूर्व भरे गए आवेदन फार्म का आवेदन फॉर्म को मुद्रित कर सकते हैं। प्रिंट करके समस्त शैक्षिक अभिलेख प्रमाण पत्रों की सौ प्रमाणित प्रतियों का 2 सेट बना करके प्रत्येक उस फॉर्म सेट के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर स्वयं हस्ताक्षर एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित 2 फोटो तथा 2 अप्रमाणित फोटो अर्थात कुल 4 फोटो सहित नियत तिथि को प्रथम सत्र में पूर्वाह्न 9 बजे तथा द्वितीय सत्र में अपराह्न 1 बजे आयोग परिसर इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित सरस्वती भवन में पहुंचना सुनिश्चित करें। अभिलेख सत्यापन के समय शैक्षिक अर्हताओं से संबंधित समस्त अंक तालिकाओं, उपाधि एवं प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां भी अपने साथ लाएं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को सत्यापन के समय निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दावे के समर्थन में निम्नलिखित नवीनतम प्रारूप पर जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र, जाति EWS प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र,
प्रारूप पीडीएफ फाइल में वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उक्त के साथ सामान्य निवास प्रमाण पत्र भी लाएँ। और उसके बाद में दिया गया है जो कि सर गवर्नमेंट नौकरी पहले से कर रहे हैं उनके लिए कि केंद्र अथवा राज्य सरकार में कार्यरत अभ्यर्थी जो को सेवा योजक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप में लाना है। विशेष जो नोट दिया गया है कि वांछित मूल प्रमाण पत्रों के अभाव में अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किया जाना संभव नहीं होगा। अभ्यर्थीगण उपयोग तिथि मतलब जो भी डेट दी गई है और समय दिया गया उसी समय पर उपस्थित हों और किसने जारी किया सचिव जो लोक सेवा आयोग के हैं जगदीश द्वारा। और आपको मूल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है, साथ में दो सेट भी ले जाना है। आप सभी को जो भी चयनित हुए हैं हमारी अग्रिम शुभकामनाएँ। आप की प्रतिभा रंग लाई, आपने अपने प्रतिभा के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप दिन पर दिन उन्नति पद पर अग्रसर रहें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।